झांसी का पोस्टमार्टम विभाग यानी कि मेडिकल कॉलेज का पोस्टमार्टम इलाका आजकल सवालों के घेरे में है। वो क्यों है हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें पहले एक बार साझा करेंगे, इसके बाद आगे की बात करेंगे। कैमरा पर्सन को तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए नरकंकाल के कुछ अंग यहाँ पर पड़े हुए हैं, हड्डियाँ हैं, खोपड़ी है, और यहाँ पर आगे भी चलिए देखिए सफाई चल रही है और यहाँ पर क्या कुछ है ये भी हम आगे पहले दृश्य दिखाएंगे, इसके बाद बात करेंगे क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। देखिए नरकंकाल की यहाँ पर पड़ी हुई थी और अभी पीछे सफाई चल रही है, वहाँ भी नरकंकाल मिल रहे हैं। तो लगातार ये कहा जा सकता है कि सवालों के घेरे में है ये पोस्टमार्टम विभाग, ये पोस्टमार्टम इलाका। आखिरकार यहाँ पर नरकंकाल कहाँ जा रहे हैं, किसकी बॉडियाँ मिल रही हैं। लेकिन फिलहाल में और आगे भी चलते हैं, आगे भी देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर तस्वीरें निकल के सामने आती हैं। ये सफाई जो कर्मी है देखिए लगातार हड्डियों को एकत्र करके बाहर ले जा रहे हैं और बाहर कांग्रेस के नेता बैठे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इन हड्डियों का हो क्या रहा है, ये बॉडियाँ कहाँ से आ रही हैं, किसकी बॉडियाँ हैं, नरकंकाल कहाँ से पहुँच रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी यहाँ से चली जानी चाहिए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी यहाँ पर नरकंकाल लगातार मिल रहे हैं, सवालों के घेरे में ये पोस्टमार्टम इलाका है। हम प्रदीप जैन से भी आगे चलकर बात करेंगे कि आखिरकार इस पोस्टमार्टम इलाके में ऐसा क्या हो रहा है, मानव तस्करी हो रही है या फिर हड्डियों को बेचा जा रहा है, आंखें बेची जा रही, क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हम दिखाएंगे और बातचीत भी करेंगे यहाँ के नेताओं से। कैमरा पर्सन जरा पीछे पीछे आएँ और ये इलाका भी दिखाते जाएँ, क्योंकि अब सफाई हो रही है तो हड्डियाँ जगह जगह से निकल रही हैं, खोपड़ियाँ निकल रही हैं, हड्डियाँ निकल रही हैं, हाथ पैर निकल रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात है। प्रदीप जैन देखिए यहाँ पर मीडिया को वाइड भी दे रहे हैं, हम भी उनसे पर्सनल बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें एक बार देखिए साझा करना चाहेंगे। देखिए खोपड़ी यहाँ पर रखी हुई है, हड्डी यहाँ पर रखी हुई हैं और लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ के नरकंकाल कहाँ से मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, यहाँ क्या काम है नरकंकालों का। और देखिए हड्डियाँ अभी भी आ रही, कैमरा पर्सन को एक बार तस्वीरें दिखाएं। सफाईकर्मी हड्डियाँ लेके आएंगे और यहाँ एकत्र करके रखेंगे। यहाँ कांग्रेस के प्रदीप जैन जो नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए, देखिए तस्वीरें एक बार साझा करेंगे, उसके बाद बात भी करना चाहेंगे। नेताजी से एक बार बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। प्रदीप जी क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? खिलवाड़ हो रहा, सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई, प्रशासन भी सोया है, पोस्टमार्टम के नाम पर इंसानी देह के साथ खिलवाड़ हो रहा और कहीं ना कहीं ये देह तस्करी का मामला है। किस तरह से लोग बिलखते हैं कि मेरे प्रियजन नहीं मिल रहे और उनकी बॉडी कूड़े घर में फेंकी जा रही, जलाई जा रही, फेंकी जा रही, जो इनके कीमती अंग हैं उनको निकाला जा रहा है। ये गहन जाँच का विषय है, इसकी CBI जाँच होना चाहिए। क्या लग रहा है क्या हो रहा होगा इनके साथ? इनके साथ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कांड है और इसकी CBI जांच होना चाहिए, क्योंकि ये तो सफाई हो रही है उसमें ही निकल रही है, लेकिन ये काम तो बहुत पहले से चल रहा होगा, क्या कुछ हो रहा होगा? हम लोगों ने तो जिस दिन वो संजय जैन का चेहरा नोचा गया और हम लोगों ने जब उस दिन इसको संज्ञान में लिया ना, उस पर कोई कार्रवाई हुई। आज जब कूड़ा घर में फेंका जा रहा था तो हमारे लोगों ने देखा और फिर अंदर जाके देखा तो बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में हड्डियां मिली, जिससे मालूम पड़ता है कि दर्जनों इस तरह के सब यहां से उनके अलग अलग पार्ट बिके हैं, बेचे गए। तो आप अब क्या करेंगे, क्या मांग उठाएंगे? धरने पे बैठे पूरी, इस पे तो प्रशासन को खुद संज्ञान लेना चाहिए, रिपोर्ट लिखना चाहिए। अभी तक किसी अधिकारी से बात हुई? कोई अधिकारी नहीं आ रहा, सब डरे हुए हैं। कल कुछ बात हुई थी क्या? कल भी कोई नहीं आया था, हमने कहा था कि आपने संजय जैन का चेहरा जिसने नोचा उस पर कार्रवाई की, तो सेंगर साहब कह रहे थे हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तो ये नहीं जो उस दिन की घटना और आज की घटना, कोई अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। अब आगे क्या आपका स्टेप? हम लोग धरने पे बैठे, चाहे दिन हो चाहे रात, हम लोग बैठे हैं। जब तक अभी इसको ले जा रहे हैं, जब तक इसके पूरी जांच नहीं होगी हम लोग जाने वाले नहीं है। देखिए ये प्रदीप जैन आदित्य हैं, साफ तौर पर कैमरा पर्सन को जरा पीछे पीछे आए। एक बार हम फिर उस इलाके में चलते हैं जहाँ से बॉडियां निकल रही हैं, साफ सफाई हो रही है, इसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार जो नरकंकाल हैं वो निकलते जा रहे हैं। ये पोस्टमार्टम इलाका है, पोस्टमार्टम विभाग का इलाका है, यहाँ पर पोस्टमार्टम होते हैं, लोगों के शव यहाँ पर आते हैं और यहाँ से पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडियाँ चली जाती हैं। तो अब देखिए जैसे ही खबर मीडिया में आती है तो यहाँ साफ सफाई शुरू हो गई है और साफ सफाई शुरू होते ही साथ यहाँ से नरकंकाल और मिलना शुरू हो गए हैं और यहाँ से हड्डियाँ मिलना शुरू हो गई हैं। तो फिलहाल में स्थिति बहुत जटिल है, अधिकारी इस पर क्या कुछ कहते हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल में स्थिति ये है कि नरकंकाल लगातार यहाँ पर निकलते जा रहे हैं, हड्डियाँ निकल रही हैं, खोपड़ी निकल रही हैं, जैसा कि आरोप भी प्रदीप जैन लगा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा बड़ा हो रहा है जिस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है, किनके संरक्षण में चल रहा है, ये भी बड़ा प्रश्न है। लेकिन फिलहाल में स्थिति यह है कि झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम विभाग इलाके में जिस तरीके से नरकंकाल लगातार मिल रहे हैं तो सवालों के घेरे में लगातार ये इलाका है और ये पूरा विभाग है। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ।
मैं एमएस सोनी, टाइम समाचार, झांसी।